नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानधारा अरसोली में। दोस्तों, BSTC प्री परीक्षा का आयोजन जो कि 26 मई 2019 को किया गया था, इसमें 7 लाख के आसपास विद्यार्थी बैठे थे। आपको बता दें, इस प्री BSTC का परीक्षा परिणाम भी जल्द ही जारी होने वाला है, जिसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको बता दें कि PTET का परीक्षा परिणाम जो कि जारी हो चुका है, ऐसा पहले बार हुआ है कि जब इस परीक्षा का परिणाम केवल 18 दिन में ही जारी हो गया। BSTC के परीक्षार्थी भी अब कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर, हमारा रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि उन्हें भी अब जिज्ञासा हो गई कि BSTC परीक्षा का परिणाम भी अब जल्द से जल्द जारी होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके तहत हम आपको बता देते हैं। आज इस वीडियो में हम इस डेट के बारे में ही चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि PTET में कुल 5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे, जबकि BSTC के अंतर्गत ये आंकड़ा कुछ ज़्यादा था और ये लगभग 7 लाख के आसपास परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए थे। और इस आंकड़े के आधार पर हम आपको बता दें कि आपकी BSTC की परीक्षा जो 26 मई 2019 को हुई थी, इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट 20 जून तक हर हाल में जारी हो जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। आपको बता देते हैं कि आपके BSTC का जो परीक्षा परिणाम है, वो लगभग 20 जून तक जारी हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया की। तो आपको बता दें, आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, वो अगले 4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात 24 जून तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो अब आपको बता दें कि अब आपको इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि BSTC में लगभग 2 प्रकार के विद्यार्थी बैठते हैं। एक तो वो विद्यार्थी होते हैं जो 12वीं रनिंग में होते हैं, और एक जो 12वीं पास कर चुके होते हैं। तो इनमें लगभग हम देखें तो 70% जो आंकड़ा होता है, वो 12वीं में रनिंग वाले विद्यार्थियों का ही होता है। तो 12वीं जो रनिंग विद्यार्थी, उनको बता देते हैं कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट रखें, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। लगभग 25 दिन के आसपास समय आपके पास बचा है। तो फ्रेंड्स, दस्तावेज़ों को आप बिल्कुल प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम यदि आपके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, तो कॉलेज अलॉटमेंट के बाद भी आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको अपने दस्तावेज़ों को बिल्कुल कंप्लीट रखना है। आपको बता दें कि यदि आपकी BSTC या PTT से संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपके कमेंट्स का आंसर देने का पूरा प्रयास करते हैं। और जितने भी कमेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको रिप्लाई भी करते हैं। इसके अलावा आप अपनी समस्या के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे द्वारा BSTC PTET की जो समस्त वीडियोज हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले BSTC प्लेलिस्ट और PTET प्लेलिस्ट, उनसे देख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आई बटन भी आपको शो हो रहे होंगे बीच बीच में, वहाँ पर क्लिक करके भी आप इससे संबंधित BSTC और PTET की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अब आप बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको बता दें, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, वो इसके अंतर्गत बहुत मायने रखता है, इसलिए आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को बिल्कुल बनवा के तैयार रखें। और इसी के साथ अब हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों, BSTC में स्कॉलरशिप आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने आपके अंक आने वाले, इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब समस्या हम आपको लेकर आएंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि BSTC परीक्षा राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस चीज़ की बड़ी वजह यही है कि इसमें 7 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में अपीयर हुए थे, और इसलिए ये कॉम्पिटिशन थोड़ा PTET के मुकाबले कठिन होता जा रहा है। फिर भी आपकी किसी प्रकार की क्वेरी समस्या हो, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट्स को लेकर के वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।